फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू फिट इंडिया। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यू फिट इंडिया में। तो दोस्तों, जैसे रोज आपके लिए लेकर आता हूँ नई नई वीडियोस और आपके साथ रिव्यूज भी करते हैं नई नई मशीन्स का। तो दोस्तों, आज एक और सवाल हमारे पास आ गया है, जिस करेंगे ड्यूराफिट की ट्रेडमिल सिरिन के बारे में। हमारे व्यूअर ने हमसे पूछा है, ट्रेडमिल खरीदना चाहते हैं, बजट कम है और ट्रेडमिल सेलेक्ट किया है ड्यूराफिट की सिरिन, पूछा है कैसी ट्रेडमिल है, बताएं उसके बारे में। तो दोस्तों, आज सारी चीज़ें इस ट्रेडमिल के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे यूफिट इंडिया का ओपिनियन क्या है, हमारा ओपिनियन क्या है, ये मशीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं ड्यूराफिट की सिरिन ट्रेडमिल के बारे में, एंट्री लेवल की ट्रेडमिल है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसके अंदर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा, सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी मोटर से। दोस्तों, 3 horsepower की पीक लोड की मोटर है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली बात है 1.5 horsepower की कंटिन्यूस मोटर इसके अंदर दी हुई है। साथ ही साथ जो स्पीड रेंज है वो 10 किलोमीटर पर आवर तक की दी गई है। हालांकि 1.5 हॉर्स पावर की मोटर में स्पीड कम से कम 12 टू 14 तक की होनी चाहिए, बट इसके अंदर 10 की दी गई है। एक बात हमेशा इसको ध्यान में रखिए, 10 किलोमीटर की स्पीड है तो आप बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल वॉकिंग या जॉगिंग कर पाएंगे। और वैसे भी इस लेवल की ट्रेडमिल में आप रनिंग कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटी है, काफ़ी हल्की है। बात करते हैं इसके ट्रैक साइज़ की। तो साइज काफ़ी छोटा है, जो इसकी विथ है 15 इंच से भी कम है, 14.96 inches की इसकी विथ आपको मिल जाती है। और साथ ही साथ जो इसका लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेट 41 inches का है, तो ट्रैक साइज़ काफ़ी छोटा है मशीन का, आपको चलने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा बात करते हैं इसकी वेट कैपेसिटी की। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे इस ट्रेडमिल ने चौंका दिया है कि इसकी जो ट्रेडमिल की वेट कैपेसिटी डिसाइड की गई है, जो लिखा गया है वो 110 किलो लिखा गया है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर ये भी लिखा गया है कि 80 kg तक का पर्सन इसको रनिंग के लिए यूज़ कर सकता है और 110 kg वाला पर्सन इसको वॉकिंग के लिए यूज़ कर सकता है। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये तो थे इसके फीचर्स, बाकी कुछ प्रोग्रामिंग, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कैलोरीज, पल्स, फोल्डेबल, ये सारे फीचर्स ऑलरेडी सारी ट्रेडमिल में आते हैं, तो इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब आ जाते हैं मुद्दे पे दोस्तों। तो मुद्दा ये है कि ये ट्रेडमिल आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए या किसको यूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके घर में सभी का वेट 50, 60, 70 kg तक है और सभी की हाइट 5.5 feet से कम है, तो आप इस ट्रेडमिल को यूज़ कर सकते हैं रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, जैसे भी आप चाहें। ट्रैक साइज थोड़ा सा छोटा है, स्पीड भी कम है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ड्यूराफिट में और भी अच्छे मॉडल्स अवेलेबल हैं, आप उनके लिए जा सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप ये ट्रेडमिल लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर कहीं पर ट्राई कर सकते हैं ट्रेडमिल को, तो एक बार ट्राई ज़रूर कर लें, बिना चलाए इस ट्रेडमिल को ना खरीदें। तो मेरी ओपिनियन यही है कि आप एक बारी मशीन को ट्राई करें, ट्राई करने के बाद उसको चला के देखें, उस पर रनिंग करके देखें, जॉगिंग करके देखें, वॉकिंग करके देखें, उसके बाद अपना मन बताएं कि हाँ आपको ये ट्रेडमिल सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच जाएगी और आप समझ जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में, बात करेंगे एक और नए टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।